हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का पेपर, जो कि है आपका HPSCSC। इसकी तरफ से एक पेपर आयोजित किया गया था जिसे कहा गया है SSA। ये पेपर था बेसिकली सब स्टेशन अटेंडेंट का पेपर, जिसका पोस्ट कोड था 792। ठीक है, तो 792 नंबर की पोस्ट कोड का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट जो है 1 to 100 क्वेश्चंस, हम लोग 1 to 100 क्वेश्चंस जो है इसके आंसर्स जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और इस पार्ट के अंदर हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी शायद आई थिंक आपको एडिशनल नॉइज़ भी आ रही होगी, बट उसको बॉदर मत करिएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा लाउडली बोलने की ताकि आपको आंसर्स जो है प्रॉपरली सुनाई दे। ठीक है, थोड़ा सा बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इस वजह से थोड़ा वॉइस जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है लिटिल बिट। ठीक है, और ये पेपर आपका कब हुआ था? 25th of September को हुआ था। ये 25th September 2022 को ये पेपर हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसको पेपर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको तो हम कर चुके थे, इसका करेक्ट आंसर है 109। 101 क्वेश्चन नंबर है राम, ये भी हमने अटेम्प्ट किया था, कोई बात नहीं फिर से देख लेते हैं। नहीं सॉरी, 100 छोड़िए, 101 से हम बात कर रहे हैं ना, 101 से 100 तक तो हम कवर कर चुके हैं। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज एसोसिएटेड विद, 100 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1920। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये एसोसिएटेड है विद द काकोरी बॉम्ब केस से, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यंग इंडिया वॉज एडिटेड बाय महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किसने एजुकेशन सिस्टम जो है इंग्लिश एजुकेशन भारत में शुरू करी थी? ये करी थी लॉर्ड मैकॉले ने, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं 103 के बाद हम 104 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है शुद्धि मूवमेंट जो है ये दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था, ये किसे संबंधित थे? आर्य समाज से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट अपना जो है भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो किस तरीके से सेम एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ व्हिच देश, मतलब किस देश के साथ में उसके अध्यक्ष के साथ, उसके प्रेसिडेंट के साथ में रिसेंबल रखते हैं? ये रखते हैं ब्रिटेन मोनार्क के साथ में, ब्रिटिश के साथ में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय, राज्यसभा डिसॉल्व होती है, सकती है क्या? नहीं हो सकती, नन ऑफ द अबव। राज्यसभा जो एक है आपकी परमानेंट हाउस है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। फिर हम बात करते हैं अगला, नेक्स्ट है हमारा 107 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें पूछा गया है टाइम गैप बिटवीन दो टू पार्लियामेंट सेशन कितना हो सकता है मैक्सिमम? वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली 5 ईयर्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट गिव रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपना जो रेजिग्नेशन है, इस्तीफा है, वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 110 नंबर क्वेश्चन में द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एज ऑफ रिटायरमेंट एज जो है हाईकोर्ट के जजेस की वो कितनी होती है? वो होती है 62 ईयर्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज इंक्रीज इन द प्राइस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 112 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ, फटाफट मैं आपको करा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को भी वॉइस नॉइस डिस्टर्बेंस हो रही है, बट आई विल ट्राई टू सॉल्व द ऑल द प्रॉब्लम्स। सो इवन सॉरी 8th 5-year प्लान जो है वो कब आता है? ये आता है आपका 1992-97 के बीच में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गरीबी हटाओ आंदोलन स्लोगन जो है ये इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और फिर हम बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डियर मनी जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है इज अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लो टाइड क्या होती है? दीज आर वीक, 117 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, लो टाइड्स आर वीक। देन हम बात करें 118 नंबर प्रश्न की। तो आइसो बार लाइन शोज क्या करती शो सकती हैं? ये शो करती हैं प्रेशर को, दाब को। ठीक है, विच इज इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक इनमें से है बेसाल्ट इज द इग्नियस रॉक। डेसीडियस ट्रीज कौन से होते हैं? जो डेसीडियस ट्रीज होते हैं वो होते हैं आपके, दैट इज लूजेस देयर लीव्स एवरी ईयर, हर साल अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं 121 नंबर प्रश्न की। तो 121 में आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, दैट इज बायोस्फीयर, और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, दैट इज वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर है हमारा 123 नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है रेड इंडियन से संबंधित है, तो दैट इज रेड इंडियन, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
विच स्टेट इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर का मेंबर कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है त्रिपुरा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, दैट इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इन टर्म्स ऑफ एरिया आपका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान. ठीक है, नासिक जो है वो किस नदी के किनारे है, नासिक जो है आपका ये आपका ताप्ती नदी के किनारे है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू आउट एयर, तो एयर के थ्रू यूजुअली जो स्प्रेड होता है बीमारी वो कौन सी है, तो 127 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, और विजडम मोलर, विजडम मोलर क्या है, 128 का करेक्ट आंसर, विजडम मोलर इज द थर्ड मोलर. विच ऑर्गन इन इज द अल्टरनेट टर्म ऑफ वोम, वोम दैट इज यूट्रस. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 129 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 130 नंबर क्वेश्चन. गोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, कौन सा है इनमें से, तो 130 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज स्नेक. लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ठीक है, ये कौन सी है, दैट इज द लिम्फोसाइट, या नहीं सॉरी 131 का ना, 131 का मोनोसाइट होगा, लिम्फोसाइट नहीं होगा, मोनोसाइट. ठीक है, 131 का करेक्ट आंसर होगा मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देन हम बात करें 132 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनोमेना ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज दैट आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन द मिडल ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड एज, दैट इज इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33. 34 की बात करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं पहले, तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है, 34-35 देखते हैं, तो यहाँ पर 34 में पूछा गया है कि फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है. 134 है ना, नहीं सॉरी बर्नौलीज़ नहीं, कहाँ से आ गया, बर्नौलीज़ नहीं होगा, 134 का, सॉरी 134 का करेक्ट आंसर होगा, कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है. ठीक है, फाउंटेन पेन जो है वो कैपिलरी एक्शन के फिनोमेना पर काम करता है. ठीक है, ब्रास इज मेड अप ऑफ, ब्रास किसका एलॉय है बेसिकली, 135 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कॉपर और जिंक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. केमिकली लाइम वाटर इज अ, लाइम वाटर जो है केमिकली क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 136 का. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 136 के बाद, देखिए ये जो रीजनिंग के और लैंग्वेज के क्वेश्चन है, रीजनिंग इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन में अभी स्किप कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, आप लोगों ने किए ही होंगे. ठीक है, अब 141 पे आ जाते हैं सीधा सर, 141 नहीं सॉरी 141 भी रीजनिंग का है, 142 पे आते हैं. ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन, किस कंट्री, विच कंट्री रिसेंटली चेयर्ड द हाई लेवल मीटिंग फॉर द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, दैट इज द यूएसए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 142. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्न की तरफ, 143 और 144. रिसेंटली किस रिपोर्ट के आधार पर कौन सी कंट्री जो है मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन की वजह से उसके अंदर डेथ होती है, दैट इज इंडिया के अंदर. Which was the top recipient of the remedies in 2021, that is the India, option number A is the correct answer, question number 44. फिर हम बात करते हैं question number 45 की, which tennis player won the Italian Open 2022 women single title, that is Iga Swiatek. ठीक है, तो यहाँ पर correct answer होगा option number B. India's first state जहाँ पर अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, that is in UP, उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर का जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर शुरू हुआ था. और फिर देखिए 47 से लेके कुछ क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं जिन्हें मैं अभी छोड़ रहा हूँ. ठीक है, 47 टू 51 आपका ये भी इंग्लिश का है, हिंदी का है. ठीक है, फिर हम बात करेंगे 57 से आपका जो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं ये कंटिन्यू करते हैं हम. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द मैकेनिकल पावर डेवलप बाई अ डी सी सीरीज मोटर इज मैक्सिमम, बिकॉज ई एम एफ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 157 क्वेश्चन नंबर. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे, 158, लेमिनेशन आर यूज इन अ मशीन इन ऑर्डर टू, सो इन ऑर्डर टू एडी लॉसेस, ठीक है, एडी करेंट लॉसेस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा, 158 नंबर क्वेश्चन का. फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 158 के बाद 159 नंबर क्वेश्चन है, 1 फैराडे इज थियोरेटिकली इक्वल्स टू the ratio of 1 coulomb to 1 volt, option number C is the correct answer. 160, RMS value is defined based on the heating effect. This is based on the heating effect, option number A is the correct answer, question number 160. फिर हम बात करते हैं आगे 161 की, which lamp can be easily directly connected to the solar cells, that is LED, option number D यहाँ पर रहेगा correct answer, 160 number question का. फिर हम बात करते हैं आगे 100
61 हो गया 61 हो गया हमारा एलईडी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 61 के बाद 62 है, ब्रीथर इज प्रोवाइडेड इन अ ट्रांसफार्मर टू सो एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर, द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ यहाँ पर जो 163 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज शेडिंग कॉइल्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक मोटर यूज इन पोर्टेबल ड्रिल इज 164 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 165 नंबर क्वेश्चन की, तो 165 में पूछा गया है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील कोर इज प्रोवाइडेड टू सो टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बंडल कंडक्टर इन ईएचवी ट्रांसमिशन लाइंस, सो 166 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज कैपेसिटेंस। इफ वी इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन द फेस कंडक्टर द लाइन कैपेसिटेंस, सो लाइन कैपेसिटेंस क्या होगी यहाँ पर हो जाएगी डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ 167 के बाद है 168 नंबर क्वेश्चन। ऑल द रूल्स एंड लॉज ऑफ डीसी सर्किट ऑल्सो अप्लाइड टू एसी सर्किट कंटेनिंग सो 168 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली रेजिस्टेंस। व्हाट आवर एफिशिएंसी ऑफ अ लेड एसिड सेल वेरीज बिटवीन 70-80%, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 170 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 171 की, तो 171 में पूछा गया है द स्प्रिंग मटेरियल यूज इन स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, के अंदर आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो 171 का जो करेक्ट आंसर होगा शुड हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी 171 की बात कर रहे हैं ना, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, 171 तो ठीक है, 170 में हमने क्या किया था, ठीक है 171, ओके, तो 171 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर शुड हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नहीं सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा डाउट हो रहा है रेजिस्टेंस में टेम्परेचर में, आई थिंक सी होना चाहिए बट आई लिटल बिट डाउट है इन दोनों ऑप्शन में बी और सी में। ठीक है, मुझे मर्गर इज यूजली, मर्गर क्या है बेसिकली इज अ मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर 72 का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 173, क्योंकि 173 न्यूमेरिकल टाइप छोटा सा क्वेश्चन है बट मेरे थोड़ा गलती हो रही है कहीं पर, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ अभी 73 को। तो अगर जो किसी को पता है इसका करेक्ट आंसर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए। नेक्स्ट है 174, जनरली ग्राउंडिंग इज प्रोवाइडेड फॉर सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट एंड सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन पर्पस पर्सनल दोनों के लिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 174 के बाद है हमारा 175 नंबर क्वेश्चन, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ केबल डिपेंड्स ऑन, दैट इज डिपेंड्स ऑन 175 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, 175 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। असिंक्रोनस मोटर डैम्पिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन बेसिकली रोटर शाफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच फ्यूल ट्रांसपोर्ट इज कॉस्ट इज लीस्ट, कॉस्ट लीस्ट होती है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद जो डेली और रेगुलर कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है यहाँ पर देखने को मिलती है। 178 क्वेश्चन नंबर है, इन स्प्लिट मोटर फेज द रनिंग वाइंडिंग शुड हैव लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 179, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी इंक्रीज्ड बाय, सो इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय सप्लाइंग करंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड साथ में आपका इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है लेफ्ट हैंड रूल कोरिलेट विद द करंट मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ पोल्स ऑन द कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी यहां रहेगा करेक्ट आंसर। फिर है हमारा 181, इन थ्री फेज सिस्टम द वोल्टेज आर सेपरेटेड बाय 120 डिग्री एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द कोर नंबर ऑफ टर्न्स एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, सब पे डिपेंड करता है, तो करेक्ट आंसर हो गया 182 का ऑप्शन नंबर डी। और फेजर इज अ, फेजर क्या होता है, फेजर इज अ लाइन व्हिच रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा 183 नंबर क्वेश्चन का। फिर है हमारा 184 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पूछा गया है फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ 184 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू एंड निरकोम वायर इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम। एंड 187 रोटर रोस्टेट कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज यूज फॉर द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 187 नंबर क्वेश्चन, ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। 187 के बाद है हमारा, देखिए थोड़ा सा आगे पीछे पेजेस है, 187 हम कर चुके हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर जो दिख रहे हैं हमें 195 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सेट हमारा बी है, 195 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज फॉर द 33 kV, ठीक है 33 kV, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इन स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंड्यूस्ड मोटर 196 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अप्लाइड वोल्टेज पर स्टेटर फेज इज 57.7 ऑफ द लाइन वोल्टेज, सॉरी। नेक्स्ट है नॉर्मली विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज व्हेन द लार्ज स्केल कन्वर्जन फ्रॉम एसी टू डीसी पावर इज रिक्वायर्ड, सो 197 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज मोटर कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 197 नंबर क्वेश्चन, फिर हम बात करते हैं 198 की। तो 198 क्वेश्चन में पूछा गया है 1 न्यूटन मीटर इज द सेम एज द 1 जूल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वायरिंग इज डन इन अ हाउस बिल्डिंग एक्सेट्रा इन अ पैरेलल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड 200 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया है आपसे, 200 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा है आपसे कि व्हाट इज कॉल्ड अ साइकिल इन केस ऑफ एसी ऑपरेशन। साइकिल क्या होता है, व्हेन एसी गोज थ्रू द कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एन साइकिल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, देखिए 187 कर भी करते हैं, 188 कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ, सो 188 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सिंगल फेज मोटर। एंड स्लिप रिंग मोटर इज रिकमेंडेड वेयर, सो इट इज रिकमेंडेड इन द हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज नीडेड वेयर, यहाँ पर हाई टॉर्क की जरूरत होती है स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है 190 नंबर क्वेश्चन, द केमिकल यूज फॉर ब्रीथिंग ऑफ ट्रांसफार्मर शुड हैव द एबिलिटी, सो शुड हैव द एबिलिटी टू, 190 का करेक्ट आंसर होगा, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। एंड 91 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज द ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बाकी सब चेंज होता रहता है, ठीक है। रोटर कन्वर्टर ऑफ अ सिंगल मशीन इज अ 2 arm and 1 field, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 1 arm and 1 field होता है, 2 arm नहीं होता, सॉरी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 192 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 arm and 1 field, ठीक है। नेक्स्ट है 192 के बाद है 193 नंबर क्वेश्चन, सो द मोटर यूज फॉर द कंप्रेशर इज, 193 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटिंग रन मोटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच मेटल इज सुटेबल फॉर मेकिंग वायर वॉन्ट रेजिस्टेंस, सो दैट इज द, यहाँ पर एक्चुअली देखिए निकल क्रोम, आई थिंक देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, ठीक है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 94 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए करेक्ट आंसर। ओके चलिए बढ़ते हैं अपने, कुछ क्वेश्चन हमारे साथ छूट रखे थे और नहीं, ठीक है कवर हो गए। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, ये इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने बात करी है 101 से लेकर 200 क्वेश्चन तक के बीच में, इनके सारे आंसर्स को दिया है। स्पेशली हमने वो क्वेश्चन बेसिकली जो आपके मैथ्स के मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं या इंग्लिश के हैं या हिंदी के हैं, इनको मैंने स्किप कर दिया है, बाकी जीएस की और जो ये टेक्निकल पार्ट है उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।